हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 4 के साथ, ठीक है। एक केस स्टडी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिसमें मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर केस स्टडी पूरी सॉल्व करके आपको बता दिया है किस तरीके से उसके सॉल्यूशंस के साथ और किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। 7 टोटल केस स्टडीज़ हैं, उसमें से एक मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, दूसरी मैं अभी डाल रहा हूँ, उसके बाद तीसरी भी आज ही डाल दूंगा, एक और केस स्टडी जो केस स्टडी नंबर 7 है, ठीक है। तो 3 केस स्टडी आज हो जाएंगे, उसके बाद बाकी की केस स्टडीज़ हम कर डालेंगे। उसको जो फर्स्ट केस स्टडी मैंने डाली है, मैं आपको बता दूँ, वो 7 to 8 मिनट्स में ही कर दिया है मैंने। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि क्यों मैं ये केस स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों सेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी पूरी केस स्टडी जो है कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQ यहाँ पर भी उसी तरीके से खत्म करेंगे जैसे हमने फर्स्ट केस स्टडी में किया है, ठीक है। वेदर द 2 BHK फ्लैट ओन्ड बाय अल्बर्ट बट रेंटेड आउट कैन बी कंसिडर्ड टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अगर आप ये केस स्टडी पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है एक अल्बर्ट करके आदमी था, उसने ना एक घर खरीदा था 2 BHK फ्लैट, लेकिन वो पैसा जिस पैसे से उसने घर खरीदा था वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से नहीं था, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से इन्वॉल्व नहीं था। तो सिंपली आप इसका आंसर ये लिखोगे बी पार्ट, नो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज अल्बर्ट डिड नॉट परचेज द फंड्स थ्रू ऑब्टेन थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। मतलब जो पैसा आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज कमाया ही नहीं, उससे अगर आपने घर खरीदा तो वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी से नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम नहीं कह सकते कि वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी से खरीदा गया था। सेकंड, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में सर्व अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन डैश ऑन नीतू अल्बर्ट एंड चिमन भाई पटेल हु आर बिलीव टू हैव कमिटेड। कितने दिन के अंदर अंदर नोटिस देना होता है? 30 डेज के अंदर अंदर नोटिस देना होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने नहीं पता आपको तो प्लीज़ पहले रिविजनरी वीडियोस देखिए या खुद से पढ़ लीजिए, मैंने सारी रिविजनरी वीडियो डाली हुई हैं तो आपको बहुत ईजिली इनके आंसर्स आपको पता होंगे। तो 30 डेज तक के अंदर अंदर नोटिस देना होता है, ठीक है। अगला, आफ्टर प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज कन्फाइंड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द डायरेक्टर शैल फोरविथ। द डायरेक्टर शैल फोरविथ क्या करता है? डायरेक्टर क्या करता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टेड करता क्या है? आप सबको पता होना चाहिए, जल्दी बोलिए। पोजेशन में ले लेता है अटैच प्रॉपर्टीज को, मतलब जब आपका कन्फर्म हो जाता है अटैचमेंट, पहले तो प्रोविजनली अटैच होती है, उसके बाद जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको कन्फर्म कर देता है तो हम क्या करते हैं, उसको जो है पोजेशन में ले लेते हैं, पोजेशन में ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक द पोजीशन ऑफ द अटैच प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब हमारा स्पेशल कोर्ट ऑर्डर देता है तो हम कॉन्फिस्केट करते हैं। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चिमन भाई पटेल सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एनश्योर्स दैट इट इज प्रोहिबिटेड टू, मतलब जो हमारा प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना ही कन्वर्ट कर सकता है, ना ही डिस्पोज ऑफ कर सकता है प्रॉपर्टी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद, अ कंप्लेंट विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश, यार 30 डेज के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 30 डेज में इन्फॉर्म करता है फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोविजनल अटैचमेंट। जैसे प्रोविजनली अटैच करी उसके 30 डेज के अंदर अंदर सारी बात जो है जाके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता देता है, ठीक है। 6th क्या कहता है, इफ़ ऑन कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल बाय द ज्यूरिडिक्शन स्पेशल कोर्ट द गिल्ट ऑफ नीतू, मतलब स्पेशल कोर्ट ने जब कर दिया और गिल्टी पाए गए तो उस केस में कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा अटैच प्रॉपर्टी को, बी इज द आंसर, ठीक है। 7th MCQ कहता है, चिमन भाई पटेल वॉज फाउंड टू हैव बीन इन पोजेशन ऑफ काउंटरफीट इंडियन करेंसी विच इज अ शेड्यूल्ड ऑफेंस बिलोंगिंग टू, मतलब ये शेड्यूल्ड ऑफेंस था जो उसने क्या किया था, काउंटरफीट करी थी इंडियन करेंसी को। तो क्या ये ऑफेंस है? बिल्कुल ऑफेंस है। अगर आप जब आप शेड्यूल्स से आके देखेंगे तो उसमें आपको ये दिख जाएगी एक्टिविटी। और ये जो हमारा फॉल करता है, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, मैं आपको बता दूं, इंडियन पेनल कोड में फॉल करता है। तो जो हमारा लास्ट पे आप जब चैप्टर फार्मूला जब खत्म होता है उसके बाद 3 शेड्यूल गिवन है, शेड्यूल A, B, C, तो उसमें जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंडियन पेनल कोड के जो हमारा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप काउंटरफीट करते हो इंडियन करेंसी को तो पोजीशन में लेके तो उसको हमारा जो है इंडियन पेनल कोड के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में सज़ा होती है। उसके बाद, एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल शैल बी कंसिडर्ड एज शेड्यूल ऑफेंस अंडर द PMLA एक्ट ओनली इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द इज़ 1 करोड़ से ज़्यादा। पहले ये अमाउंट 50 लाख का होता था, अब 1 करोड़ हो गया। मैंने जब चैप्टर को रिवाइज करवाया था तो वहाँ पर भी 2 बार उसको स्टार मार्क की भी करवाया था कि पेपर में पूछा जा सकता है। तो 1 करोड़ से जब ऊपर का अमाउंट होता है पार्ट बी के ऑफेंसेज का तभी उसको माना जाता है, ठीक है। बोथ राजकरण एंड संजू आर कंसिडर एज बेनामींदार बिकॉज दे आर फिक्शियस पर्सन हु आर नॉट मेड एनी पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज। बी पर्सन इज हुज नेम द प्रॉपर्टीज आर हेल्ड विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट। और सी पर्सन हु हैव लेंट देयर नेम्स टू द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज विदाउट मेकिंग द। तो इन सब सारे ही पॉइंट जो है हमारे ये कहते हैं कि ये बेनामी ट्रांजेक्शन है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पर ये तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, जब केस स्टडी आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये तीनों ही लिखा हुआ है कि ये दोनों बंदे जो थे वो फिक्शियस पर्सन भी थे, ठीक है। उसके अलावा वो उन्होंने अपना जो है पर्सन इज हुम द बेनामी प्रॉपर्टीज आर हेल्ड विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, उन्होंने पेमेंट भी नहीं करी थी, ठीक है, वो बेनामींदार थे। और तीसरा हमारा जो है उन्होंने सिर्फ अपने नाम दिए थे, तो विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट। तो ये ऑल ऑफ देम आर
इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. एनी प्रॉपर्टी फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग कैन नॉट बी प्रोविजनली अटैच बाय द डायरेक्टर. 180 डेज के लिए अटैचमेंट करी जा सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा. 180 डेज के लिए अटैचमेंट करी जा सकती है प्रोविजनली. ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्या कहते हैं. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहला पॉइंट आता है, एज पर द फैक्ट्स अल्बर्ट थ्रू लॉन्ड्री मनी लॉन्डर्ड मनी परचेज 3 BHK. ठीक है, उसने सपोज इफ द सेड फ्लैट इज परचेज बाय हिम जॉइंटली ऑन हिज एंड हिज वाइफ्स नेम नीलिमा जॉर्ज, एग्जामिन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पामला द फॉलोइंग सिचुएशन. सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, विल नीलिमा बी लायबल. देखो, एक तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आप क्या करोगे, सेक्शन नंबर 3 में जाओगे और मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन लिख दोगे, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा अगर इन्वॉल्व भी होता है तो ऐसा माना जाता है कि हाँ वो मनी लॉन्ड्रिंग में है. उसके अलावा सेक्शन नंबर 3 के बाद आप सेक्शन नंबर 8 में चले जाओगे और सेक्शन नंबर 8 में भी लिख दोगे कि नोटिस जो होता है वो सबको सर्व किया जाता है, जो भी बंदा चाहे जॉइंटली ओन किया जाए या कुछ भी किया जाए, और उसको भी जवाब देना होता है. अगर वो जॉइंट ओनर होता है तो भी उसको भी जवाब देना होता है, उसकी भी जवाबदेही बनती है. इसीलिए यहाँ पर जो है मिस नीलिमा भी जो है वो लायबल रहेगी. ठीक है, इसके बाद बी क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ प्रॉपर्टी इज क्लेम बाय अ पर्सन अदर देन हुम द नोटिस हैज बीन इशूड. तो यहाँ पर जब आप पामला पढ़ते हैं तो वहाँ ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि किसी और बंदे के द्वारा भी अगर प्रॉपर्टी करी गई है, और अगर वो बंदा ये प्रूव कर देता है प्रॉपर्टी में अगर उस बंदे का हिस्सा है और दूसरा बंदा अगर ये प्रूव कर देता है उसने मेहनत की कमाई से खरीदा है, तो उसका उस उतने हिस्सा प्रॉपर्टी का छोड़ दिया जाता है. तो लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट इसलिए दिया जाएगा, तो इस बात का अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ट दिया जाएगा उस बंदे को, और उसके बाद ही उसकी प्रॉपर्टी छोड़ी जाएगी अगर सेटिस्फाइड हैं तो. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज मिस्टर एक्स अ नॉन रेसिडेंट इंडियन परचेजेज अ फ्लैट ऑफ अल्बर्ट इन इंडिया फॉर ₹50 lakhs एंड पेड 30 lakhs इन बाय अकाउंट पे चेक ऑफ हिज ओन अकाउंट एंड रेस्ट इन कैश. द रजिस्ट्री इज डन एट अ वैल्यू ऑफ 30 lakh विच वॉज पेड बाय अ चेक. डिस्कस द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन. आप बताओ ये ट्रांजेक्शन कैसा होगा, जल्दी बताओ. यहाँ पर अगर देखें, सपोज मिस्टर एक नॉन रेसिडेंट इंडियन है, उसने परचेज करा 50 lakh rupees का घर और 30 lakh rupees चेक से दिए और बाकी के कैश से दिए. तो ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन जो हमारा है जो 2 का A, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये हमारा किससे है, ये फेमा के नेचर का ट्रांजेक्शन नहीं पूछ रहा, यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछा जा रहा है. तो ये PBDX से पूछा गया है, बेनामी ट्रांजेक्शन तो नहीं है. तो इस केस में हमारा जो है ये बेनामी ट्रांजेक्शन कब नहीं मानी जाती, कोई भी चीज़ बेनामी ट्रांजेक्शन कब नहीं मानी जाती. तो जब आप एक्सेप्शंस पढ़ोगे अगर बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में जाके, तो वहाँ पर 3 चीज़ें बोली गई हैं. सबसे पहली चीज जहां कंसिडरेशन पेड होता है और पोजेशन में ले ली जाती है. ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है, और तीसरा पॉइंट जब स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड होता है. तो अगर आपका ये तीनों कंडीशंस पूरी होती है तो उसे बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है. ठीक है, बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं मानी जाती. तो यहां पर आपको यही आंसर लिखना होगा. फेमा में जाके आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडियन लिखा है तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि यार उसने किस तरीके से दिया है. यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछ रहा है, तो आपको प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट के हिसाब से आंसर देना है. और उसका एक्सेप्शंस जब आप देखोगे तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 9 में यहाँ पर एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं ऑफ द बेनामी ट्रांजेक्शन. बेनामी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में आप देखोगे तो एक्सेप्शन टू द बेनामी ट्रांजेक्शन है, उसमें ये तीनों पॉइंट फॉल कर जाते हैं. ठीक है, बी पॉइंट क्या कहता है, अल्बर्ट वॉज असाइंड बाय चिमन भाई टू डिलीवर काउंटरफीट करेंसी नोट्स टू वन ऑफ इट्स क्लोज फ्रेंड्स टू हांगकॉन्ग फॉर विच हेफ्टी कमीशन वॉज फिक्स्ड. तो इसको तो हवाला ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ऐसे ही हवाला होता है. ठीक है, तो इसको हवाला भी बोलते हैं, और हवाला का मतलब होता है मनी लॉन्ड्रिंग. ऑब्वियसली बात है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ है. तो यही बोला गया है कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा सकता है, यस इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा सकता है. और कौन लायबल होगा, हर एक पर्सन जो इन्वॉल्व होता है वो लायबल होता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, एज पर सेक्शन नंबर 4 की जो पेनल्टी होती है वो उनके ऊपर लगाई जाएगी. दैट्स इट. अगला पॉइंट, स्टेट वेदर द मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया बाय अल्बर्ट इज परमिटेबल इन फेमा ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस. कहता है क्या आप फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हो इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया. बिल्कुल मेंटेन कर सकते हो. अगर आप शेड्यूल 1 ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन हाँ RBI वगैरह की अप्रूवल्स वगैरह के साथ. ठीक है, RBI ने जैसे बोल रखा है, अप्रूवल इन सेंस जैसा RBI ने बोला है उस तरीके से मेंटेन करना होगा. तो यस, आप मेंटेन कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, चिमन भाई इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ही हैज़ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एज टू मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ज्वेलरी इन हांगकॉन्ग विच इज ओन्ड बाय हिम. हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स ऑफ चिमन भाई इज अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया अंडर द फेमा. मतलब कब माना जाएगा कि कोई बिजनेस जो वो कर रहे हैं वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया है. तो अगर आप PRI की डेफिनेशन पढ़ते हो, पर्सन रेसिडेंट इंडिया की डेफिनेशन पढ़ते हो, तो उसमें साफ मेंशन है कि अगर कोई भी बिजनेस अगर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है और भले ही वो अगर कंट्रोल किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया से तो भी उसे पर्सन रेसिडेंट इंडिया मानेंगे. या दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई भी बिजनेस अगर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया लेकिन अगर वो कंट्रोल किया जा रहा है बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो वो क्या माना जाएगा, वो बिजनेस ऐसा माना जाएगा कि वो एस्टेब्लिश इंडिया में ही है और वो बिजनेस पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा. तो आपको यहां पर यही आंसर लिखना है कि अगर चिमन भाई हमारे पर्सन रेसिडेंट इंडिया है तो उस केस में अगर बिजनेस आउटसाइड इंडिया भी है और कंट्रोल करा जा रहा है चिमन भाई के द्वारा तो वो हमारा क्या होगा, वो बिजनेस हमारा पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सपोज इफ ब्लू स्फीयर लिमिटेड
Private Limited is a Singapore based company having several business units all over the world. It has a unit for cutting and manufacturing precious and semi-precious stones in the form to be used for the jewelry with its headquarters in Mumbai. It has a branch in Dubai and which is controlled by the headquarters in Mumbai. What would be the residential status under the FEMA 1999 of units of Blue Sphere Private Limited in Mumbai and the Dubai branch? तो भाई पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा क्यों? वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया इसलिए माना जाएगा क्योंकि जो कंट्रोल किया जा रहा है वो ब्लू स्फीयर लिमिटेड के साथ किया जा रहा है, जो हमारा अल्टीमेटली कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, मुंबई से। तो जब मुंबई हमारा क्या है, मुंबई हमारे देश में पड़ता है, तो सबको पता ही बात, तो ये क्या माना जाएगा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। ठीक है, ये ICAI का फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन ये फेवरेट क्वेश्चन ग्रुप वन के इकोनॉमिक लॉ पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दुबई ब्रांच है हमारी, दैट ऑफ दुबई ब्रांच जो हमारा है, वो हमारा क्या माना जाएगा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया, क्योंकि कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। दैट्स इट, ये था हमारा पूरा का पूरा बिना केस स्टडी को पढ़े, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था ऑलरेडी, और जहाँ जहाँ मैं केस स्टडी से लिंक्ड क्वेश्चन था उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया। थैंक यू, बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।